बच्चों, मैं एग्जेड बानू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास 11th और 12th के लिए। जैसे कि मैं कल गालिब के हालात जिंदगी पढ़ा रही थी, आज उसके आगे बताती हूँ शायराना अजमत। मिर्जा गालिब की शायरी उनकी जिंदगी की आईना दार है। वो अपनी जिंदगी के हालात व कैफियत के नगमे सुनाते हैं और अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं और दीनवी ताल्लुक से वाबस्तगी रहती है। नाजुक ख्याली में कहीं कहीं गालिब मीर व मोमिन से भी बढ़ गए। गालिब की शख्सियत हो या शायरी, वो जिंदगी की ऐसी तह दर तह परते खोलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। गालिब को जुबान व अल्फाज के इंतफाक में दर्जा कमाल हासिल था। वो अल्फाज के मिजाज सनाश थे कि कौन सा लफ्ज कहाँ मुनासिब रहेगा। अब गालिब के हम अस्र दोस्त की उनके जो ये हम अस्र दोस्त उनके नाम बता रही हूँ। बहादुर शाह जफर, शाह नसीर, मौलवी फजल हक कैराबादी, इब्राहिम जौक, इमाम बख्श सहबाई, मीर मेहंदी मजरू, हर गोपाल तप्ता, शैफ्ता हाली, ये सब उनके गालिब के हम अस्र दोस्त रहे थे। अब उनकी तसानीफें कौन कौन सी हैं बताती हूँ। पहली है दीवान गालिब और दूसरी है उर्दू मौला। अब आखिर में तजिया कि उर्दू अदब में गालिब का नाम हमेशा हमेशा एक रोशन सितारे की तरह अपनी ताबना की जलवा बिखेरता रहा है। और ये बात भी क्या कम है कि एक अरसा गुजर जाने के बाद भी गालिब की शोहरत व मकबूलियत मानंद नहीं पड़ी, मतलब मंद नहीं पड़ी। उनकी शायराना अजमत का सबसे बड़ा सबूत है, जैसे कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा है कि शहर में एक चिराग था ना रहा, एक रोशन व दिमाग था ना रहा। ये हमने आपको मिर्जा गालिब के हालात जिंदगी के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। इसको आप अच्छे से गौर से पढ़ेंगे और जो समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछेंगे।